आज का टॉपिक है इंट्रा मॉलिक्यूलर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक पॉलीफिनिक बॉन्ड। देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल पर, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल्स पर, मॉलिक्यूल्स पर ठीक है। एडिशन मतलब एड होना ठीक है। किसका? तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं ना, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस पर क्या हो माइनस चार्ज हो ऐसा ठीक है। और किस पर? तो पॉलीफिनिक बॉन्ड। तो पॉलीफिनिक बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं? तो पॉलीफिनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? वो तो C ये वाला बताया था कुछ दिन। तो इसमें से ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड, जो C बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीफिनिक बॉन्ड। ये मतलब आप समझ आ गया कि पॉलीफिनिक बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड पर किसका एडिशन, तो किसका एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन, और वो भी कैसा होना है, तो उसी मॉलिक्यूल का उसी में एडिशन होना है ठीक है। इसमें पहला देखते हैं, ए है हमारा टू डबल बॉन्ड, पहला जिसका लिखते हैं वो है टू डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड में इस प्रकार से एडिशन होता है। इसके बाद ऐसे बोलते हैं एक्सोसाइक्लाइजेशन ऑफ ट्राइंगल ट्राइगोनल सेंटर एंड एन एक्टिव सी एस एंड सी एन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसमें क्या बोलते हैं? तो इसमें जो एक्सोसाइक्लिक साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन मतलब एक्सोसाइक्लाइजेशन मतलब बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन जाए और रिंग का फॉर्मेशन हो, एक तो मतलब बाहर की हो ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाए और साइक्लाइजेशन हो, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोसाइक्लाइजेशन ठीक है। ऑफ ट्राइगोनल सेंटर, ये ऑफ ट्राइगोनल सेंटर, ट्राइगोनल सेंटर, ट्राइगोनल सेंटर में होगा। तो इसमें देखोगे सेंटर्स में होता है, या फिर इसमें कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं? डबल बॉन्ड एच सी, डबल बॉन्ड एच बॉन्ड में भी यह एडिशन होगा ठीक है, और साथ ही साथ सी डबल बॉन्ड एन, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? तो यहाँ पे ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये इसकी तरह व्यवहार करेंगे, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेंगे, इसीलिए स्टार, इलेक्ट्रोफाइल को स्टार से दिखाएंगे बोले थे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। तो पहला रिएक्शन बताता है कि पहला रिएक्शन क्या है। पहला रिएक्शन देखें तो डाई हाइड्रोक्सी एल्किन डेरिवेटिव, तो डाई हाइड्रोक्सी एल्किन, तो कौन सा होगा? तो ये होगा देखो सी आर, और ये एल्किन का डेरिवेटिव है, ये रियल में पहले ऐसा था। अब इसमें क्या हो गया? तो इसमें दो ओ एच ग्रुप जो है वो एड हो रहा है ठीक है। तो दो ओ एच ग्रुप कैसे एड होगा इसको देखें, तो क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसमें चला जाएगा, और चला जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से बनेगा, ओ एच है, ओ एच, और इधर देखोगे आर 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 और आर, तो ये जो एल्किन है एल्किन पर क्या हुआ है, तो डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सिल एल्केन डेरिवेटिव ठीक है। देखो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एल्केन डेरिवेटिव ठीक है। अब जो काम है उसको हमको इस पर करना है ठीक है। तो इसका जब हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जब हम इसका रिएक्शन सी एल सी डबल बॉन्ड एस और सी एल ठीक है, इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखें तो इसका रिएक्शन कराने पर सिंपल सा चीज होगा, ये देखो ये जो है ना, ये कैसा हो जाएगा, तो ये देखो ऐसा, इसके साथ इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सी एल
सी डबल बॉन्ड एच और ये सी, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह एच सी एल बना करके बाहर हो जाएगा। देखो ये क्या करेगा, एच प्लस के रूप में और सी एल माइनस के रूप में, ये क्या करेगा यहाँ से, तो माइनस एच सी एल बना करके बाहर। अब जो बचा तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें देखोगे तो इसमें बचेगा, देखो तो हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ जैसे जुड़ा है ना उसी के बेसिस पर, सी डबल बॉन्ड एस ऐसे ही लिखूँ सी एल। अब यहाँ से जुड़ गया क्या, ऑक्सीजन से फिर जुड़ा सी, और इस सी से दो ठो आर है, ये हो गया। और यहाँ पे देखो तो ये सी है, इसके साथ एक ओ एच ग्रुप है और साथ ही साथ दो आर। देखो रिंग बनाने के लिए ये है, इसको जैसा कैसे लिखा हूँ, ये ओ यहाँ पे लिखा है, ये हो गया। अब इस ओ से जुड़ा हुआ सी, तो ये सी दो आर है, उसके साथ दो आर, ये बॉन्ड सी सी ओ एच, तो ओ एच आर और आर, ठीक। इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ से फिर क्या होगा, तो यहाँ से फिर देखो फिर वही प्रोसेस कर सकता है, क्या करेगा देखो ये, ठीक है, यही बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखो तो ये मिल जाएगा ओ, ठीक है, ओ से देखो जुड़ा हुआ ये सी और ये सी, इस सी से देखोगे तो डबल बॉन्ड एस है, इस सी से देखोगे तो आर और ये आर, ठीक है, इधर देखे तो सी आर और आर, ठीक है, और ओ, तो यहाँ पे ओ और ये ओ इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये फाइव मेंबर, ठीक है, फाइव मेंबर क्या बन गया, हेटरोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो ये जो है फाइव मेंबर हेटरोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन किया, किस प्रोसेस से, तो किस प्रोसेस से, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू ऑलिफिलिक बॉन्ड्स, ठीक है। ये हो गया इसका पहला ए वाला, इसी का बी देखिए, तो बी में क्या, सॉरी इसी का एक और एग्जांपल बोल रहे हैं ना, ये एग्जांपल वन था, इसका एग्जांपल टू देख लेते हैं। एग्जांपल टू में बता रहा है यहाँ पे ये दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O C के साथ जुड़ा हुआ है N H, ठीक है, और इस एन एच के साथ जुड़ा हुआ है C6H5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो फेनिल एसिटामाइड डेरिवेटिव, ये है फेनिल एसिटामाइड डेरिवेटिव, फेनिल एसिटामाइड डेरिवेटिव, जब इस फेनिल एसिटामाइड डेरिवेटिव का जब हम रिएक्शन कराते हैं, देखो एसिटामाइड डेरिवेटिव का रिएक्शन किसके किसके साथ करा रहे हैं, देखो तो पहला रिएक्शन करा रहे हैं POCl3 के साथ, ठीक है, POCl3 के साथ, और दूसरा जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, तो ये इसका H ये दिया हुआ है डबल बॉन्ड O, और इससे जुड़ा हुआ है N नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है CH2 या CH3 और है CH3, किसके पास, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ और इसके साथ करा रहे हैं साबुन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा इसमें, तो इसमें H जो है वो N से इधर का, हाँ, तो यहाँ से इनके रिएक्शन में हमको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से देखोगे तो हमको प्राप्त हो रहा है ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड सी और इससे सी एल, और इससे जुड़ा हुआ सी एच टू और है सी
डबल बॉन्ड एन प्लस इससे जुड़ा हुआ है CH2 और यहाँ से देखो उसको लिखा है फॉर्मूला, ये हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, तो यहाँ पे ये यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है, इधर सी है ना, सी ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है ये देखो, यहाँ पे CH3 CH2 है और सी है, ये हुआ है इसमें ये डबल बॉन्ड। तो ये जो पहला वाला है ये CH2 है ना, ये कैसा है, तो ये CL और डबल बॉन्ड O, CO2 CO3। और यहाँ पे क्या हुआ है और किस प्रकार से जुड़ा है उसको देखो, तो इसको हम लोग कहते हैं तो कितना कुछ है, ये हो गया। अब ये कार्बन इसका, ये वाला कार्बन है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये HCl बन करके यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड को यहाँ से किया ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से किया तो ये इस पर है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज ये हो या इसमें ये भी बोल सकते हैं, ये भी ठीक दोनों तो ठीक, ये कदम हो गया, कदम से जुड़ा ठीक हमारा ये वाला कार्बन, ये HO ठीक, ये दोस्तों तो यहाँ ये और ये निकला, यहाँ पे ये ऑक्सीजन फास्फोरस है, मतलब ये भी है यहाँ पे हटा के फास्फोरस है, तो देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है वह रिप्लेस हो रहा है फास्फोरस के साथ, और एक क्लोरीन को ये अपने में ले रहा है, इस कारण एक क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा, लेकिन ये ऑक्सीजन अब इस फास्फोरस के साथ जुड़ेगा, तो अब देखो फास्फोरस क्या बन गया, तो पी डबल बॉन्ड ओ ये तो पहले से ही है, एक इसके साथ सीएल रहेगा और इसके बाद पी डबल बॉन्ड ओ, मतलब पी ओ टू सी एल, ये बना करके ये अलग हुआ, तो इस कंडीशन में सी सी एल, ये हो गया।
आगे देखो सी एच टू एच टू और ये एच और इससे मतलब ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये तो एक माइनस एच टू ओ एच ओ एच थ्री एच टू बाहर निकाल दिया वो बाहर निकला और इस कार्बन से जुड़ेगा कौन सा ये वाला कार्बन तो देखो तो ये एच टू कार्बन से ये वाला कार्बन लेकिन वहां पे ये हाइड्रोजन नहीं ऐसा होगा तो ये एच पी ओ नहीं वो एच नहीं लगेगी तो वो एच निकालोगे तो वो एच माइनस तो वो एच माइनस निकलता तब ये बन ये है छोड़ ये पकड़ कर देंगे वही तो यही वाला है सिंपल सा एग्जांपल एक एग्जांपल में ये लेंगे हम लोग ठीक है। वैसे ये ऐसे निकला अब ये जो बना है ना ये बना है ये क्या किया है इसको देखो तो ये यहाँ पे एक नंबर रिंग बना रहा है इधर का तो नंबर एक दो तीन टू ये हो गया और सी एच और ये नाइट्रोजन फर्क करके क्या हुआ है इससे ही बना तो ये क्या बना है ये लास्ट में बनाया क्या है ये बनाया है ये हो गया इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सी इससे जुड़ा हुआ सी एल ठीक है इससे जुड़ा हुआ सी एच टू और यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा और ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ये सी और ये ऐसा तो यहाँ से क्या हुआ है तो ये जो है ये बॉन्ड यहाँ पे लोन पर वापस किया और ये बॉन्ड जो है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो एन सी एच थ्री का ट्वाइस निकला है और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन इसके साथ निकला मतलब ये क्या है तो ये 3 डिग्री या 2 डिग्री 2 डिग्री के रूप में बाहर निकाल रहे हैं एन के रूप में बाहर निकलेगा तब ये हमको प्राप्त होता है तभी ये प्राप्त होगा नहीं तो किसी चीज में नहीं ठीक है तो ये एग्जांपल छोड़ दिए रहा हूँ इसका ये इसका प्रोसेस ही थोड़ा जटिल है ये एग्जांपल छोड़ देते तो इसमें देखिए दूसरा जो बी टाइप का है ना तो बी टाइप के में देखते हैं क्या होता है तो बी ये बी टाइप में इसमें क्या होता है तो एक्टिवेटेड सी ओ ग्रुप ठीक है तो एक्टिवेटेड सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप के बारे में एज द इलेक्ट्रोन पैर एज द इलेक्ट्रोन पैर मतलब वो क्या होगा तो इलेक्ट्रोन फाइल की तरह व्यवहार करेगा तो जो सी डबल बॉन्ड सी है वो तो इंटरनल कंजुगेटिव एडिशन रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो होता है हमारा इंटरनल कंजुगेटिव एडिशन रिएक्शन होता है और इसमें इस रिएक्शन को देखो तो क्या बोलते हैं हम लोग तो फोर एक्सो ट्रिन ठीक है मतलब एक्टिव सी डबल बॉन्ड सी इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंटरनल कंजुगेटिव हाँ एडिशन रिएक्शन ठीक है जिसमें क्या होता है फोर एक्सो ट्रिन एक्सो बाहर बन रहे इलेक्ट्रॉन के लिए छोड़ मतलब चौथे पोजीशन ठीक है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है एसपी टू से क्लियर है तो इस बेसिस पर इसका एग्जांपल दिया हुआ है तो इसका एग्जांपल ये दिया है देखो सी सिक्स एच फाइव ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से और इससे जुड़ा हुआ है सी एच और ये सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ सी एच फाइव ये
और है CO2H5, ये और किससे, किस नाइट्रोजन से जुड़ा है C, और डबल बॉन्ड O, और किससे जुड़ा है CH, और किससे जुड़ा हुआ है CH, और इधर जुड़ा हुआ है COO, C2H5। देखो ये भी कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इस कंपाउंड से देखो तो यहाँ जो उपस्थित हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का क्या होता है, यहाँ जो उपस्थित हाइड्रोजन है ये बेस की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन क्या कर लिया, यहाँ पे कोई भी एल्केलाई है, एल्केलाई की उपस्थिति में यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर निकल गया ये वाला, तो इस पर क्या आएगा, इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा C6H5N, और इस कार्बन पे रहेगा माइनस चार्ज और COO C2H5, ये हो गया COO C2H5, ये हो गया ऐसे, इससे देखोगे C डबल बॉन्ड O हो गया, और CH डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद रहेगा COO C2H5, ये बन गया रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, वो अटैक किया उस कार्बन पर, ये वाला खिसक के चला गया इस पर, मतलब इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये प्लस आकर के यहाँ पे एड हो जाएगा, एड प्लस वन है वो आकर के यहाँ पे एड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बना, तो ये जो बना है इसको मैं यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ, इससे क्या बनाएगा, ये बनाएगा देखो इससे बन गया C6H5, इससे जुड़ा हुआ N, इससे जुड़ा हुआ C, और C से जुड़ा हुआ COO C2H5, COO C2H5, देखो ये बन गया। अब इसके बाद इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे देखोगे तो इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है C, ठीक है, और H है CH3, ठीक है, ये H को क्या कर रहा है, ये कार्बन ये कार्बन आपस में जुड़ गया, जुड़ गया है, ठीक है। साथ में देखो अब यहाँ इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था उसमें एक बॉन्ड सीधा करके यहाँ आ गया, इसलिए C हो गया। अब देखो माइनस चार्ज है और यहाँ पे मैं बोला कि ये वाला प्लस एक को ले लिया, ये हो गया CH2, हो गया, और यहाँ पे देखो ये जुड़ जाएगा COO C2H, ये भी हमारा फाइनल हो गया, देखो फोर मेंबर रिंग बन गया, फोर मेंबर रिंग, ठीक है। इसमें इससे देखोगे इससे कौन सा होगा, तो ये होगा इस प्रकार से, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो होता है, जब एक्टिवेटेड सी डबल बॉन्ड सी उस रिएक्शन में भाग लेता है। दिखाई दे रहा है छोटा छोटा जो लिखा है वो, जो ऊपर वाला है एग्जाम्पल टू जो है वो नहीं बन पाया, उसको लिखोगे तो भी बनेगा, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा टाइप का लिख एक ही। हाँ,
इसका आप देखते हैं, ये ए था, ये बी था, आप देखते हैं इसका सी। देखो अब सी, अब जो नाइट्रो ग्रुप होगा, नाइट्रो ग्रुप वो क्या करेगा, एक के पेरन इक्लियो में पहले वाले में देखें तो सी डबल नॉट एस या सी डबल नॉट एन, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार किया इसमें से ये वाला। दूसरे वाले में देखें तो सी डबल नॉट सी, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार किया। और तीसरा में देखें अब नाइट्रो ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार है, ठीक है। तो देखें आगे, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करे, नाइट्रो ग्रुप तो देखे होंगे ऐसा होता है, ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करे, है ना। यहाँ पर देखिए तो इसी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये भी है उससे जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, यहाँ से NH3O CH2 और C4CH3। ठीक है, दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो ये जो सी एच है ये कैसा होगा, इसको ले मतलब रियल में ये होगा डबल बॉन्ड को, ठीक है, सी एक इधर एक इधर इससे जुड़ा हुआ रहेगा, सी डबल बॉन्ड को और है सी एच, जो पहले लिखे थे वैसा ही है समझो, लेकिन ये उसको मैं इनलार्ज कर दिया, मतलब कैसे कैसे जुड़ा है उस बॉन्ड को बताया, ठीक है, ये चीज समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ से देखो ये जो है बेस की उपस्थिति में या एल्काइल की उपस्थिति में ये माइनस बेस प्लस के रूप में बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा विपरीत, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या मिलेगा हमको, अब यहाँ पे देखो ये इस कंडीशन में यहाँ पे होगा क्या, नाइट्रोजन पर सॉरी ऑक्सीजन से रहेगा माइनस, ये दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, अब चार बनाया है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रहता, मतलब ये सिंगल बॉन्ड रहता है,
प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, ये ऐसी ना, ये वॉट है, ये भी क्यों क्या की था, ये वॉट इधर से हुआ, तो इसका निशान में होगा क्या, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से देखोगे तो ये बन जाएगा, ये हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का देखो तो जो क्वांटिटी हम उधर को जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा उसको मैं इधर रखूं, ठीक है, और यहाँ से जुड़ा हुआ है एक, इससे जुड़ा हुआ एक, तीन डबल बॉन्ड फोर, और इधर है थ्री, इस पर माइनस है, और एट डबल बॉन्ड फोर, और इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया नहीं है, इसको मैं नीचे लिखा हूँ, इसको ऊपर कर दिया, या इसको ऐसा करो तो भी चलेगा, इसको अगर ऐसा कर दो, इसको ऐसा करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसा ठीक, तो ये हो गया प्लस, तो ये हो गया माइनस, अब देखो यहाँ पे ठीक है, माइनस प्लस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, अब ये ऊपर अटैक किया, ये कार्बन सी यहाँ से बाहर निकलेगा, और इसमें से देखोगे तो अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ देखो, तो एच प्लस वाले बाहर निकाल चुके हैं, तो ये देखो एच और ये ऑक्सीजन, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, माइनस एच टू बना करके बाहर जाएंगे, ठीक, और माइनस एच टू बना करके बाहर जाएंगे, तो देखो ये बॉन्ड क्या होगा, मतलब क्या हुआ, तो नाइट्रोजन और तीन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो पहले ही बन रहा था, और एक बॉन्ड और बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड टूट रहा है, तो आसानी से नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, तो नहीं तो इस बेसिस पर देखो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये इस बेसिस पर स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, ये देखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इधर देखो हो गया, एक और अब इसके पास कोई भी कार्बन नहीं, इसका नहीं कर ये क्या चाहिए, इनके एक बॉन्ड से पहले वाला और ये दूसरा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पांच छह सिक्स मेंबर है, इनहाइब्रिडाइजेशन नंबर बेंजो फ्यूज्ड हेटेरो साइक्लिक पीपीडी से नाइट्रोजन क्या करे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करे, ठीक है, इसमें एक नेविंग रिलेशन भी है, बैंगलोर सिंथेसिस, तो जिसको नेविंग रिलेशन पिक बैंगलोर सिंथेसिस के लिए
ठीक है यहाँ पे देखो तो क्या होगा कि वीडियो फाइल की तरह व्यवहार करेगा बेंजीन बेन बेंजीन किसकी तरह क्यों क्योंकि यह क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए व्यवहार करेगा तो यही क्या है इलेक्ट्रॉन यह है तो इसका एक है ये बेंजीन की तरह है इसे एल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं और इधर के जो ग्रुप है ये CH2 और यहाँ के जो ग्रुप है H2 और इसके भी जो ग्रुप है NH ठीक है इसका जब हम देखते हैं H2 और HCl प्राइमरी है और सेकेंडरी ऊपर है देखो ठीक तो है यहाँ पे करते हैं तो क्या होता है यहाँ एच प्लस एच के रूप में ओ टू माइनस ओ निकला ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस एच में जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक माइनस इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक माइनस तो देखो माइनस प्लस ठीक है ये बन जाएगा क्या ठीक है मतलब पटाखा बिल्कुल यहाँ से क्या हुआ माइनस इस पर क्या बना इस पर बनेगा इस पर बनेगा ये ओ आर यहाँ से देखो क्या बच रहा है लेकिन कौन से जो लोन मिले हाइड्रोजन को क्या लेता है तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या है ओ आर आर ये हो एच टू नाइट्रोजन था ये हाइड्रोजन दे दिया अब उसके बाद लोन क्या नहीं है
नहीं है तो क्या होगा? समझ में आई दीदी? कह रहे थे ना ये अगर अब क्या करेगा, ये प्लस है, प्लस को मेंटेन करेगा और मेंटेन करेगा, ये डबल, मतलब उसके लोन पे तो वापस कर देगा, वापस किया तो इसका फायदा है क्या? क्योंकि यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन के साथ ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया? आई शो पी नो, तो इस विधि से जो है इस फोटो खींचना थोड़ी पड़ेगा, दिख तो रहा है ना। हाँ, और लेक्चर भी जो है वो रहता है, उसको देखे लाइव लेक्चर जो रहता है ना ऑप्शन, उसमें देखना तीनों लेक्चर है। हाँ ठीक है, तो वहां से दिख जाएगा ना, तो फोटो नहीं खींच रहे हैं ना, बनेगा। हाँ इस प्रकार के मतलब डबल बॉन्ड पर इस प्रकार साइक्लाइड ऑन टू ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल सीएमई सब्स्टिट्यूटेड बाय नंबर, देखो तो ये है ना, ये क्या करता है, तो यही जो है दूसरों का एंड कर और ये लीड टू फॉर, मतलब ये तो कर देगा इसको, इसको बोल रहा है तो साइन तो अब ऐसा करेगा है में क्या मेंबर या मेंबर एंडोसाइक्लिन ठीक है, तो इसका
बहुत सारे एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो पहला एग्जाम्पल तो पहला एग्जाम्पल कहता है एमिनो एसिटेट, एमिनो एसिटेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, तो एमिनो तो N-CH3 अमोनिया से रहेगा, एमिनो तो ये जो ग्रुप होगा ये होगा CH2CH3, ये हो गया एमिन। अब बोल रहा है एमिनो एसिटेट, तो एक यहाँ से हटेगा, उसके जगह पे क्या आएगा? तो एसिटेट ग्रुप आएगा, एसिटेट ग्रुप में ये आएगा डबल ओ और CH3, ये हो गया एसिटेट ग्रुप, एसिडॉक्सी जिसको बोलते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया एमिनो एसिटोन, एमिनो एसिटोन। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, तो डाइसाइनाइड इथेन, डाइसाइनाइड मीथेन, तो सी एच टू इससे जुड़ा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये होता है क्या? तो डाइसाइनाइड मीथेन, ठीक है। क्या होता है? डाइसाइनाइड मीथेन। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो देखो, ठीक है, ये वो लिखा जाएगा और इसको देखोगे ये एच, ऐसा लिख सकते हैं एच को। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो एच प्लस, इसके पास है कार्बन पर माइनस, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, ठीक है। ये जो माइनस है ये इस प्लस के साथ जुड़ा, और ये जो एच प्लस है यह आकर के इसके साथ, ठीक है। क्या बना? तो इससे बनेगा देखो सी, हो गया, इस सी से जुड़ा हुआ CH3 ऊपर में रहेगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ OH एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक। इस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और इसके साथ में एक और हाइड्रोजन भी है, ये वाला हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया। तो इस कार्बन से अब देखोगे CH2 और जुड़ा हुआ है NH, बोलो ये ठीक ये बन गया। अब इससे देखो तो ये बन रहा है क्या, इससे बन रहा हुआ है टी टी ये बन रहा हुआ है, थ्री ये लो थ्री एच एच
ये बना है। तो इसके बनने के लिए नाइट्रोजन, ये बात NH3 तो है ना? आप कौन सा ये ठीक है, और ये ठीक है? सी एच थ्री ये हाँ नाइट्रोजन की। देखो इसमें क्या करना है हमको, ये वाला जो है इसमें पहला प्रोसेस तो ये होता है NH2, ठीक है? तो पहला डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ठीक। और यहां पे जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है क्या है? इतना। अब इसमें क्या करना है, सी एच टू ग्रुप है यहाँ पे लाना है डबल बॉन्ड और एच टू एन एच थ्री जोड़ना है, ये एन एच टू करना है। इसका एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ एक लोन पेयर रहता है, वो कैसे बनेगा उसको देखो। ये दो हाइड्रोजन हटेंगे यहाँ एक, तो इसको ले लिया समझ लो, इसके कारण जो माइनस है उसको क्या करते हैं, ये बॉन्ड पहला। उसके बाद है ये ठीक। तो और सी सिंगल बॉन्ड सी डबल सी ओके, और एक बॉन्ड और नाइट्रोजन कार्बन हो गया 1 + 4, इसमें से ये समझते हैं। ये वाला यहाँ देखो कि ये सी डबल बॉन्ड सी एच टू एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना पड़ेगा तभी ये होगा, तो ये हाइड्रोजन ठीक है। ये बात
तो किसको टाइम नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बचा 25 पर प्लस है। यहाँ पर हुआ है ये देखो, क्लासरूम में बाहर निकला, ये जो ये वाला यहाँ से होगा, ये यहाँ पे दो और इस पर डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन रहेगा और एक और छोड़ कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो गया। अब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो बचा है अपने इन्वायरमेंट में, एक प्लस यहाँ से निकला था ना वो बचा हुआ है, ठीक। अब ये एच प्लस क्या करेगा, तो देखो एच प्लस है ये लोन पे ऐसे इसको अटैक करता है सपोज, अब ये लोन पे ऐसे अटैक किया तो ये यहाँ पे फिर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया अभी, अब देखो इस पर क्या होगा, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड का कोई चार्ज नहीं था, अब तीन बॉन्ड हो जाएगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग दिखा सकते हैं CH3 तीन, इससे जुड़ा हुआ सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहेगा सी और सिंगल बॉन्ड एन, और इस पर लोन पेयर थ्री वापस आ गया है एच एच, ये हो गया। लेकिन अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज रहेगा, क्योंकि चार बॉन्ड था उसमें से कौन को रिलीज कर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो इधर पी एच हो गया, इधर रहेगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एच एच और किसका नाइन, मतलब इतना समझ में आया। कौन वाला नहीं है ये वाला, वाला, नाइट्रोजन से तीन बॉन्ड है, हाँ तीन बॉन्ड है और एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को लिया, लोन पेयर से लिया तो क्या होगा, ये एच प्लस के रूप में ले रहे हैं, इसके कारण ये बचा है, तो इस पर रेडियल पे माइनस चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बचा है इसके कारण, और इसमें अब इस पर क्या हो गया है, तो ये प्लस क्रिएट हो रहे हैं, अब देखो ये तो लोन पेयर ले लेते हैं, मतलब प्लस चार्ज बचा उसके पास, तो ये क्या किया कि यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से टूटा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से टूटे, यहाँ से टूटे तो क्या होगा, देखो तो इसमें तीन इधर और दो इधर बॉन्ड बन रहा है, तो दो प्राइम बॉन्ड को कार्बन नहीं बना सकता, बनाए किस तरह बनाना चाहे, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया, वो एक बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाइट्रोजन को दे दिया, तो नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, इसलिए ये लिखा,
ऐसे ही अब ये लोन पैकेज को लिया तो ठीक से ये बॉन्ड को यहां फिक्स कर दिया, यहां फिक्स किया तो इस कार्बन पे आ गया हमारा प्लस चार्ज, ठीक। और ये नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक। तो इतना तो ये हो गया। उसके बाद कहां पे जाती इतना ये समझते हैं। आप क्या बोल सकते हो इसमें, ये बोल सकते हो बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस डायरेक्ट किया वो है। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, सी सी इससे जुड़ा हुआ सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, डबल बॉन्ड सी हो गया, इससे जुड़ा हुआ NH2 और इसका लोन पेयर उतने के काम करना, इससे जुड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से एक दो हाइड्रोजन हो गया, इससे जुड़ा हुआ सी, इसके देखो जो डबल बॉन्ड और ये CH3 इस पर लोन पेयर है। अब देखो चार बॉन्ड बना लिया है, चार बॉन्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा, कौन नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये बना। अब इस पर क्या होगा, यहां से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा प्लस के, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको मेंटेन किया, यहां से एक क्या हो गया माइनस एच प्लस, अगर बाहर निकालोगे तभी ये फिर आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये वाला इधर से निकलने का अलग है, ये इसका प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट कैसे आया इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस बेसिस पर क्या होता है, तो इस बेसिस पर जो है यह रिएक्शन होता है, बुक में ये दिए हैं और ये दिए, इसको हम लोग बनाएंगे ऐसा करके आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। नहीं आएगा फिर भी आ रहा है बोलोगे, है ना। देखो बुक में यही तीन चलती हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तीनों कैसे आया, तो इसी को मैं क्या किया हूँ, इसका रियरेंज किया, रियरेंज करके ऐसा करके ऐसा लाया, तो यही लिखना बुक में, बाकी समझने के लिए ये रहेगा लिखिए, हो गया। मिटा दूँ, इसका दूसरा देखो, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एक एग्जाम्पल क्या कहता है, तो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, नहीं है कितना नंबर देंगे, ये दिख रहा है 5 नंबर देंगे, है ठीक है, नाइट्रोजन वाला, बाकी उससे डेरिवेटिव, तो बायरोन का डेरिवेटिव समझ लो, तो इससे जुड़ा हुआ है टी एच, इससे जुड़ा हुआ बी आर, और इससे जुड़ा हुआ है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका जब हम रिएक्शन कराए हैं एक डबल बॉन्ड सी और इससे जुड़ा हुआ है एन एच टू, एन एच टू, ठीक है। तो इसके रिएक्शन से हमको क्या प्राप्त हुआ है, एस सी एन एच,
देखो इसमें हुआ क्या है, देखो ठीक है, इस बार माइनस इस बार प्लस, अब देखो और लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन है लिविंग ग्रुप, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला माइनस चार्ज के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस पर क्रिएट होगा प्लस चार्ज, ठीक। अब देखो इस कार्बन का जो वैलेंसी है इसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा हमको, तो क्या होगा यहाँ जो उपस्थित हाइड्रोजन है ऐसा है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से हाइड्रोजन भी लीव करेगा कैसा, तो प्लस के रूप में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से छूट जाएगा यहाँ, मतलब रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से माइनस एच बी आर बाहर निकले, ठीक। और ये ऐसा हुआ, अब इसमें देखो माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा, तो देखो तो ये वाला इसके साथ आकर के जुड़ेगा, तो देखो फाइनल क्या बना उसको, तो इससे बना है C6H5, C H हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, यहाँ से अब जुड़ जाएगा क्या C S, ठीक है, S से अब देखो सिंगल बॉन्ड क्या C हो गया, और इस C से जुड़ा हुआ NH2 नीचे वाला, और यहां से डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है, इसका बनना समझ में आया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब क्या होगा, तो यहां से देखो ये नाइट्रोजन ये हो गया, अब यहाँ पे इससे बनाया हुआ है क्या बनेगा इसको, तो सिंपल सा है ना, ये बना जैसा ये बना इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये देखो, इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, ये दोनों आपस में इससे जुड़ेंगे और ये वाला क्या हो जाएगा, तो एमीन ग्रुप बन जाएगा, जैसे कि मैं बोला देखो तो एक ही साइन नहीं था, ये लास्ट में क्या बन रहा है एमीन बना है, ये साइनाइड एमीन बना था, ऐसे ही ये साइनाइड, इसको ऐसे ही बता रहा हूँ ना डायरेक्ट, अब डायरेक्ट से बता दे रहा हूँ, ये जो यहाँ से जुड़ा था, ये देखो इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ा था कि नहीं जुड़ा, अब जुड़ कर ये बना है, साथ में ये वाला था ये किस में चेंज हुआ NH2 में, तो वही चीज NH2 में, वही चीज हो रहा है यहाँ पे, देखो ये कार्बन किस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और जुड़ने के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन है ये NH2 में चेंज हुआ, ठीक है, तो लिखो उसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे ऐसा सल्फर का बीच में है ना, सल्फर इससे जुड़ा हुआ ऐसा, इससे सी उस साइड का सी, इधर ये साइड का सी, एच हो गया C6, एच फाइव हो गया, इससे जुड़ा हुआ सी, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ NH2, और यहाँ क्या देखोगे तो ये हो जाएगा ये नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ एच, और ये ऐसा, अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से आएंगे, तो ये हटेगा नाइट्रोजन हट जाएगा, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा डबल, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, एक कार्बन का हाइड्रोजन हो गया, तो ये रहेगा NH, ठीक है, तो यही हुआ है, ये साइनाइड था, साइनाइड NH2 में
में चेंज हुआ है, देखो ये वाला साइनाइड ग्रुप था, क्या हुआ है कि NH2 में चेंज हुआ है। ठीक, उसके बाद देखो ये वाला NH2 यहाँ पे आया और ये NH2, ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये है। इसका पहले वाला प्रोसेस हुआ ना, साइनाइड जो है वो एमिन में चेंज होगा, बाकी को रिंग बना देगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, देख सेकंड वाला ये होगा। बोलो समझ में आया कि? चलो आगे देखिए, ये वाला मैं जानता हूँ, एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 3 क्या होता है, तो इसमें दिया हुआ है R C डबल बॉन्ड C और R। ठीक है, इसमें एक साइड जुड़ा हुआ है NH2 और है साइनाइड। इसका जब हम देखेंगे NH2 डबल बॉन्ड NH से कराते हैं, ठीक, इसका इसके साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखो, ये देखो क्या बाहर निकली, NH3 यहाँ से बाहर निकाली, बाहर निकाला तो जोड़ दो, बाकी सब जुड़ जाएंगे वैसे ही वैसे। ठीक है, ये बचा C R डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ R C ट्रिपल बॉन्ड N, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन से ये NH2 और A, ये लिखना समझ में है, उतना लिखना। अब बोलो क्या क्या कौन कौन कहाँ कहाँ होगा, तो कुछ पता है? जैसा उसमें देखेंगे, ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ जाएगा तो रिंग बनाएगा, और नाइट्रोजन रिंग बनाएगा, जैसे इसमें हुआ था देखो, ये नाइट्रोजन था रिंग बनाया, उसके बाद देखो ये साइनाइड है, ये रिंग कहाँ से जुड़ेगा, तो इस कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, ये वाला चेंज होकर के क्या बनाएगा, तो NH2 बनाएगा। साइनाइड क्या बनाया, NH2, साइनाइड है नाइट्रोजन, उसका NH2 बनाया, उसी का कार्बन जो दूसरा हेटेरो एटम होगा ये इससे जुड़ा था, सेम टू सेम वही से जुड़ेगा, तो जोड़ दो, तो देखो ये तो कितना मेंबर रिंग बनेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर बने, तो देखो इसको लिख देते हैं भाई, आर हो गया, इससे जुड़ा हुआ एन, डबल बॉन्ड सी और इससे एच समझ लो, यहाँ पे है एन, ठीक, ये हो गया डबल बॉन्ड सी, इससे जुड़ा हुआ आर, इससे जुड़ा हुआ सी और इससे जुड़ा हुआ NH2, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब कुछ इस टाइप का बनेगा, लेकिन क्या बनेगा उसको देख लेते हैं, वो बनेगा, लेकिन अब इसमें डबल बॉन्ड कंजुगेशन में रहेंगे, तो ये देखो यहाँ इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आएगा, तो देखो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड ठीक है, कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड ठीक है, नाइट्रोजन का फिर 3 बॉन्ड ठीक है, कार्बन का देखिए तो 1 2 3 4 बॉन्ड ठीक है, 1 2 3 4 ठीक, बाकी सबका वैलेंसी ठीक।
आंसर क्या होगा? तो यही ठीक। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, किस प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना, साइनाइड जो है वो एमिन ग्रुप में चेंज होगा, और जो दूसरा साइनाइड होगा या फिर एनएच ग्रुप होगा या हेटर एटम होगा, वो क्या होगा? साइनाइड के कार्बन से आकर के रिंग का फॉर्मेशन करेगा। फिर वो साइनाइड के रिंग से आकर के हेटर एटम आकर के रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये समझ में आया? इसको देखिए, अब इतने में ये एग्जांपल खत्म। अब इसी का साइक्लोएडिशन इन ट्रिपल बॉन्ड में ही हम लोग जो है एक और चीज देखते हैं। तो क्या है? तो नाइट्रिलिन एंड एल्कीन्स एक्सोएडिशन, साइक्लाइजेशन देख रहे हैं हम लोग। साइक्लाइजेशन के अंतर्गत ही नाइट्रिल एक्सो एडिशन, एडिशन टू नाइट्राइल्स एंड एल्काइन। देखो तो नाइट्राइल्स मतलब किसको बोलते हो? साइनाइड। एल्काइन किसको बोलते हो? किसको बोलते हो? ठीक है, एल्काइन। तो यहाँ से किस प्रकार का यहाँ पे रिएक्शन होता है, किसको देखो? तो इसमें रिएक्शन बताया हुआ है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है सी बॉन्ड, ये बॉन्ड का एल्काइन के कारण से इस पर लोन दिया जाएगा, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड सी और है। तो ये रिएक्शन क्या है? ये देखो तो नाइट्राइल है, उसका अपोजिट है। जब नाइट्रोजन सी जुड़ जाता है तब के कंडीशन में इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है इसको ऐसा, ये और यहाँ से इसको हटा दिया, मतलब इससे जुड़ता है तो साइनाइड बोलते हैं, इसके अपोजिट नाइट्रोजन से जुड़ता है तो आइसो आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्राइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो देखो ये कार्बन है, और ये कार्बन ऐसा होता है, देखो तो ऐसा यहाँ पे घुस रहा था, यहाँ पे घुस रहा था, यहाँ पे घुस रहा था, इस प्रकार तभी सेटिस्फाइड था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है और उसका चार्ज दिखाया हुआ है, जो कि एन प्लस कोई कंपाउंड है उससे क्या होगा, वो चार्ज सेटिस्फाइड हुआ, ठीक। इसका जब हम रिएक्शन नंबर किससे करते हैं, तो देखो एक्स डबल बॉन्ड वाई और इसके साथ करते हैं, एक्स डबल बॉन्ड वाई के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या आएगा? तो ये देखो, तो ये क्या किया है, इसको अटैक करा दिया है इसके पास और इसको ऐसा कर, ठीक है। तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा, उसको बता रहा है सी है सिंगल बॉन्ड ऐसा, और नाइट्रोजन वाले को चेयरमैन नहीं है जैसा कि पहले इसको रख दी, ओके। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से जुड़ा रहेगा वाई वाई, ठीक, और इसका ये बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड हो गया है, एक्स पर आ जाए, आ गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा कर, ठीक, ये बना। अब यहाँ पे क्या होगा, एनवायरमेंट में मेटल उपस्थित,
चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज का प्रश्न नहीं है, तो मेटल का अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहां से क्या किए, एच प्लस ए बेटा नहीं देखेंगे, एच प्लस या एसिड की उपस्थिति है, एसिड की उपस्थिति मुझे लिखकर एक संख्या है, ठीक है। क्या करते हैं, एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो देखो तो एक बार मिलेगा, साथ ही साथ ये बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा। तो देखो मैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो सी ऐसा वाई सिंगल बॉन्ड एक्स सिंगल बॉन्ड, इससे जुड़ गया सी, इससे देखो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और कलोन पे रहेगी, इससे जुड़ गया। इस प्रकार से यह क्या करता है, तो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक तो एडिशन होगा इसका नाइट्राइल ग्रुप का, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप का इसके साथ, तो एल्काइन के बोलो ये चीज समझना है। अल्फा अच्छा पीछे करता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब इसमें देखिए अल्फा लिथियम, अल्फा लिथी एटेन लिखते हैं, अल्फा लिथी एटेन आइसो नाइट्राइड, ठीक है। ये ग्रुप इधर से जुड़ा है, तब देखो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तब ये क्या होगा, नाइट्राइड होगा, आइसो नाइट्राइल, कब बोलेंगे इसको, तो एन ऐसा करते हैं डबल बॉन्ड सी और ऐसा करते हैं, तब ये कहलाएगा क्या, आइसो नाइट्राइल, मतलब आइसो साइनाइड वाला, क्लियर। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अल्फा लिथिनेटेड आइसो नाइट्राइल, ठीक है। तो आइसो नाइट्राइल जो होगा उसके अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, लिथियम, ठीक है। इसका जब हम किसके साथ, इसका कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तब हमको क्या मिलता है, तब हमको मिलता है ऑक्साजोलीन, ऑक्साजोलीन प्राप्त होगा। तो देखो सर अब इसका रिएक्शन देखिए, अल्फा लिथिनेटेड आइसोनाइट्राइल किसको बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे, देखो सी है इससे ये रहेगा, इसी कारण इसका ये, लेकिन इस पर क्या रहेगा, तो लिथियम का पॉजिटिव चार्ज के साथ ये जुड़ रहा है। और नाइट्राइल ग्रुप को कैसे दिखाओगे, तो ये जैसे दिखाया कि ऐसा, ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्राइल ग्रुप। जब इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किससे, कार्बोनिल ग्रुप से, तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये रिएक्शन कैसा करेगा, ये इधर चले जाते हैं, इसके कारण इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये जो है ये प्लस आकर के इस माइनस के साथ जुड़ जाता है, ये माइनस इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इधर देखोगे तो ये बन जाएगा सी, हो गया सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ हो गया, ओ पर है माइनस चार्ज, किसी किसी के साथ आ गया लिथियम, और ये हो गया। इसके बाद देखो ये नाइट्रोजन ऐसा, और इसको लिख देता हूं कार्बन को, ये आ गया, ठीक। अब इसका क्या किए हैं, तो इसका जब हम इसी प्रकार से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, H प्लस देखो तो
ऐसे टू बच्चे तो रिएक्शन करेंगे होगा और क्या होगा इस कार्बन पर अब आ गया पॉजिटिव ये नेगेटिव देखो आप और लिथियम को यहाँ पे लिथियम प्लस को ये रिमूव कर देना तो यहाँ से क्या बन गया तो यहाँ पे बनेगा सी सिंगल बॉन्ड सी और ये हो गया इसके और ये इधर का नाइट्रोजन इधर का ऑक्सीजन अब देखो इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन और इस कार्बन से एक है हाइड्रोजन और ये देखो ये हाइड्रोजन ये कहाँ से है एसिड था एसिड का हाइड्रोजन ले लिया है ये कार्बन तो इस प्रकार से ये तो ये जो कंपाउंड है यही क्या कहलाता है तो देखो ऑक्सा एजा ओलिक फाइव नंबर है इसलिए लीन ठीक है और ऑक्सा ऑक्सीजन एजा नाइट्रोजन ठीक है ऑक्सा एजा लीन ठीक तो ऑक्सा एजा लीन फाइव नंबर इस प्रकार से ये बनता है बोलो ये क्लियर हुआ। अब आगे इसके और बहुत सारे एग्जांपल हैं इसको देखते हैं दिख रहा है ना। हाँ चलो ये हो गया। अब इसी प्रकार से और भी रिएक्शन है ये रिएक्शन देखते हैं तो इसमें देखो तो एक रिएक्शन दिया हुआ है खोसी खोसी। चलो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग यही कंपाउंड लेते हैं ये जो लिए थे ना वही कंपाउंड लेते हैं दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं तो ये है सी डबल बॉन्ड एन और ये सी ऐसा और इसके साथ है लिथियम प्लस के साथ और ये रहेगा इस पर मैक्स ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन आर एन डबल बॉन्ड सी एच टू के साथ कराते हैं इसको बोलते हैं एजो मेथीन एजो मेथीन ठीक है एजो मेथीन तब क्या होगा दिखाई दे रहा है कि हाँ बीच बीच में कॉल आ जा रहा है ना तो उसी में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है।
बोलो क्या होता था? क्या होता था? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन पे प्लस इस कार्बन पे, नाइट्रोजन पे माइनस इस कार्बन पे प्लस। ये है ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? इससे इससे बन जाएगा तो सी, ये हो गया। इससे जुड़ जाएगा ये सी और इससे जुड़ा हुआ एट एच। ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा। यहाँ से देखो फिर ये नाइट्रोजन ऐसा, इससे जुड़ा हुआ ई। ऐसे ही यहाँ पे एन है, इस पर क्या आएगा? तो लोन पे तो ऑलरेडी है, साथ ही साथ माइनस चार्ज भी आ गया इसके साथ, ये हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन लोन पे पहले भी था नाइट्रोजन, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड आर ये और ये। ठीक, अब क्या हुआ है इसमें? तो ये देखो, इस बॉन्ड के कारण इस पर आया माइनस चार्ज, ये बॉन्ड हटेगा और ये प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का किधर काम कर दोगे? माइनस चार्ज बाकी रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हो गया। अब क्या करते हैं इसके बाद? ये लोन पर आकर किस पर अटैक करेगा? इस पर आ जाएगा कम प्लस चार्ज। ये कार्बन के लिए कार है, कार्बन के लिए कार है, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया। तो अब देखो कार्बन का तो खपत हो गया, तो बचा क्या? तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, कमी होने तो पॉजिटिव है। और देखो ये माइनस और इस प्लस को ले लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा? एक बनेगा, ठीक। अब ये बन गया। इसी प्रकार से और बहुत सारे सिंथेसिस दिए हुए हैं। अब नेम से सिंथेसिस है, तो नेम वाले जितने भी सिंथेसिस होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहला बोला था इमाइडेड रोल सिंथेसिस, इमाइडेड रोल का सिंथेसिस इस प्रकार से होगा। ये देखो इमाइडेड रोल का सिंथेसिस, एक कंपाउंड यहां पे लिया है पी डैश, इससे जुड़ा हुआ है सी एच थ्री, सी सिक्स एच फोर एस, और इससे जुड़ा हुआ है सी एच टू, और इससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन जिस पर है प्लस चार्ज, और ट्रिपल बॉन्ड सी इस पर है माइनस। इस कंपाउंड का नाम होता है पी टॉली थियो मेथिल, पी टॉली थियो मेथिल आइसो
नाइट्रीन, ठीक है, जिसको हाफ नहीं बोला जाता है, टी ओ एस एम आई सी, टॉसमिक इसका शॉर्ट नेम होता है, एक्टिओ टॉसिल हो गया, एस है थियो के लिए, एम मेटिल आइसो, सी के लिए साइनाइड, ठीक है, ये नाइट्राइड। तो टॉसमिक इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन से, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो किसकी उपस्थिति में, तो इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग बेस की उपस्थिति में। अब बेस कौन सा है, K2CO3, बेस ऑफ K2CO3 की उपस्थिति में। बोलो बेस के साथ रिएक्शन कराएं, बेस के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहां से देखो क्या होगा, हाइड्रोजन अगर है बेस है तो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव कराता है, ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकला, ये वाला किसके पास आ गया, ये क्या हुआ, कार्बन पर माइनस, ठीक, ऐसे ही ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये जुड़ा इसके साथ क्या बनाएगा, उसको देखो पी सी एच थ्री, बाकी सब तो जैसे कैसे रहेंगे, सी एच फोर एस, ये हो गया सी हो गया, और इस सी से जुड़ा हुआ इधर नाइट्रोजन प्लस में, एक दो तीन सी और सी पर माइनस। अब यहाँ से देखो एक नाइट्रोजन रिमूव हो गया, तो सिर्फ एक नाइट्रोजन बचा उसके पास, ठीक। इसके बाद देखो एक नाइट्रोजन बचा है, और इधर देखो तो क्या हो गया है, इधर का कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है आर, कार्बन से डबल बॉन्ड है एन, और एन पर है माइनस चार्ज, बोलो इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, तो एच प्लस है इन्वायरमेंट में, एच प्लस है इन्वायरमेंट में, अब यह क्या करता है, एक से ये वाला, ठीक है, इस हाइड्रोजन को ले लेता है, ठीक, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा तो पी सी एच थ्री सी सिक्स एच फोर एस, ये हो गया सी, इससे जुड़ा हुआ सी, ये हो गया आर, डबल बॉन्ड एन, अगेन पर है माइनस चार्ज, इधर देखो ये नाइट्रोजन पे है प्लस चार्ज, ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया सी, टी पर हो गया प्लस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के जुड़ गया, इसी लिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो प्लस माइनस है तो ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा,
जुड़ेगा। क्या बना लिया, कितने मेंबर है? तो देखो एक दो तीन चार पांच, बीच में फाइव मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है, तो फाइव मेंबर रिंग कैसा बनेगा उसको देखते थे। एस उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो ये सी और सी, ये सी और ये इससे जुड़ा हुआ आर, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से जुड़ा है ये वाला कार्बन जिसे हाइड्रोजन है, एक दो तीन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा नाइट्रोजन जिस पर रहेगा प्लस चार्ज, और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड से, और इससे जुड़ा हुआ रहेगा एट, और क्या है हाँ सी सिक्स एच फोर और है सी एच थ्री और है सी। बोलो ये समझ में है? ठीक है, इतना तक समझ में आ गया ना। अब देखो नाइट्रोजन में प्लस है और इस पर देखो तो कार्बन एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड बन रहा है, इसलिए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को दे देगा, जिससे उसका प्लस मेकअप हो गया, नाइट्रोजन का दोनों पेयर बन जाएगा। ये है, उसके बाद देखो एनवायरनमेंट में और एक एच प्लस होगा, वो क्या करेगा इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को लेगा तो इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, उसको क्या करेगा ये ब्रेन यहां से उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नहीं ये जवाब कौन वाले इधर, ठीक है ये वाला ठीक है, चलो छोड़ो इसको ध्यान नहीं करते। ये वाला इतना तक समझ में है, तो इस बेसिस पर ये क्या हो गया, इस बेसिस पर देखोगे तो ये बन गया C डबल बॉन्ड C, इससे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा है, इससे सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और बन गया ये डबल बॉन्ड N, ये ठीक है, यहाँ पे हो गया और सी एच थ्री हो गया और ये सी इससे जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये कंपाउंड का यही कंपाउंड जो है ये क्या होता है, यही होता है इमेडाजो, इमेडाजो। डेरिवेटिव क्योंकि ये वाला है यहाँ पे देखो ना ये जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा डेरिवेटिव, इमेडाजो डेरिवेटिव का इस प्रकार से ठीक है, ये हो गया इमाइडाजोल का सिंथेसिस। इसके बाद देखते हैं पायरोल का सिंथेसिस, तो ये पायरोल का
ठीक है, कर लेते हैं पायरोसिंथेसिस। आज मुझे नहीं आया लगता है ना, ये टाइम हो गया पूरा रिएक्शन रिएक्शन का। अच्छा ये वाला कॉपी है तो उसका बुक है कि नहीं? नहीं तो इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, कर लेना सिस्टमैटिक में। तो उसका पूरा तो है उसमें, तो उसमें तो उठा ही ना। सिस्टमैटिक में लेक्चर में अलग अलग लिखा हूँ, मोनोसाइक्लिक फ्यूल लीडर और बाइसाइक्लिक है। किसका है मोनोसाइक्लिक होगा तो मोनोसाइक्लिक का। ठीक है, आज का क्लास कंप्लीट। ये लेक्चर कल भी आ जाएगा है ना, इसी में वापस। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से कि दे रहा था ना। हेलो, हाँ गूगल मीट से ठीक था ना? हाँ चलो ठीक। कौन सा?